नमस्कार दोस्तों, rebellionvoice.com पर आपका स्वागत है। राजनीति चल रही है और बहुत ही जोरों से चल रही है। नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगा हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर पॉलिटिक्स के गुरु माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर एक बड़ा बयान दिया है और एक तरह से कहें तो उन्हें करारा जवाब दिया है। तो आइए आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है, और आप देख रहे हैं rebellionvoice.com। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आने वाली किताब गोपालगंज टू रायसीना ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दिया है। इसे लेकर राजनीतिक सलाहकार व जेडीयू के राष्ट्र उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और लालू परिवार आमने सामने आ गए हैं। तेजस्वी ने अपने पिता लालू की बातों को सही ठहराया तो प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर उन्हें करारा जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को टैग करते ट्वीट कर कहा, आज भी लोगों के लिए आपकी पहचान और उपलब्धि बस इतनी है कि आप लालू जी के लड़के हैं। इसी वजह से पिता की अनुपस्थिति में आप आरजेडी के नेता हैं और नीतीश जी की सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए थे, पर सही मायने में आपकी पहचान तब होगी जब आप छोटा ही सही पर अपने दम पर कुछ करके दिखाएंगे। बता दें कि आज ही खबर आई कि प्रशांत किशोर जेडीयू ज्वाइन करने से पहले लालू यादव से मिले थे। दरअसल लालू यादव ने अपनी किताब गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी में दावा किया है कि नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में आना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने दूत प्रशांत किशोर को मेरे पास भेजा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। इसी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव की बात को सही ठहराया और कहा कि महागठबंधन छोड़ने का नीतीश कुमार को मलाल था। भाजपा के साथ सरकार बनाने के 6 महीने के बाद ही उन्होंने इसके संकेत दिए थे कि नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार का महागठबंधन में दोबारा लौटने का मन था और प्रशांत किशोर इसके लिए मेरे पास भी आए थे। इसके साथ ही कांग्रेस के लोग भी मेरे पास आए थे हमें मनाने, लेकिन हमने मना कर दिया। इसी पर प्रशांत किशोर ने दोबारा ट्वीट किया और तेजस्वी पर सीधा हमला किया। इसके पहले पीके के नाम पे फेमस प्रशांत किशोर ने महागठबंधन के साथ फिर से सरकार बनाने वाले आरोप पर ट्वीट किया था, जिसमें लालू के दावों को बोगस बताया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि लालू यादव ने जो भी दावा किया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हाँ, मैं उनसे मिला था, लेकिन लालू यादव से मुलाकात में क्या बातें हुई थी ये बता दूँ तो शर्मिंदगी होगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।